Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 2nd of chapter business environment, in which we are going to discuss about importance of business environment. Okay, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ business environment का meaning consider करना ही important नहीं है, बल्कि उसकी need क्या है हमें business के अंदर, उसको जानना भी क्या है बहुत जरूरी है. Clear? तो इसलिए आज हम इस video के अंदर importance को discuss करेंगे कि जो business environment है उसकी study करना जरूरी क्यों है. Okay, first हम discuss करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सेकेंड है हमारे पास वार्निंग सिग्नल. थर्ड है हमारे पास टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. फोर्थ वन इज कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. एंड द लास्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. ओके, फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज. क्लियर? यानी कि अगर एक बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट को स्कैन करता है. एनवायरमेंट स्कैन करना मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि एनवायरमेंट की स्टडी करता है. क्लियर? यानी कि वो क्या करता है यहाँ पे, बिजनेस एनवायरमेंट को डीपली स्टडी करता है. तो उसको क्या मार्केट के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही है उसका एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है. क्लियर? अगर एक बिजनेसमैन को मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही हैं, क्लियर, तो उससे वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में वैसे ही क्या करना शुरू कर देगा, चेंजेस करने शुरू कर देगा. क्लियर? तो इससे वो क्या कर सकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को गेन कर सकते हैं. क्लियर? यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट के अंदर की जो कार्स है, क्लियर, यानी कि जो स्मॉल कार्स है उनकी डिमांड क्या ज्यादा है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर क्या है, लोग ज्यादातर स्मॉल कार्स की डिमांड कर रहे हैं. क्लियर? तो उस केस में वो बिजनेसमैन क्या करता है, साथ के साथ स्मॉल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर? तो जिससे वो क्या करता है, मार्केट में जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे क्या कर लेता है, वो कम्पीट कर जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो इस केस में हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वार्निंग सिग्नल. क्लियर? यानी कि बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमें क्या करना है, बिजनेस के अंदर जो हमें थ्रेट्स हैं, क्लियर, यानी कि बिजनेसमैन के सामने जो थ्रेट्स हैं उनको भी क्या करना है, डीपली एनालाइज करना है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो मार्केट के अंदर कस्टमर्स है, क्लियर, वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है कि मार्केट के अंदर जो कार की सप्लाई है वो क्या बहुत ज्यादा कम है. क्लियर? यहाँ पे क्या है कि जो कार्स की जो सप्लाई है वो क्या बहुत ज्यादा कम है. क्लियर? तो उस केस में क्या है, जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, क्लियर, यानी कि जो क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, क्लियर, वो क्या करता है, इस थ्रेट को एनालाइज करता है. क्लियर? तो बाकी जो कंपनीज है वो कुछ नहीं कर रही, बट जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो क्या करता है, इस थ्रेट को एनालाइज करके कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर? इस केस में जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो क्या करती है, कार्स की सप्लाई को कई गुना इंक्रीज कर देती है. क्लियर? यहाँ पे जो ये कंपनी है वो क्या करती है, थ्रेट के इफेक्ट को कम कर देती है बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ कार्स इन द मार्केट. ओके, सो बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, जो थ्रेट्स हैं हमारे सामने उनको भी हम खत्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, हमारे पास कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं, क्लियर, जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर? हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, मैन, मनी, मटेरियल, लेबर. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है. क्लियर? अगर यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, प्रॉपर बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करेगा. क्लियर? तो वो क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. क्लियर? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, चेंजिंग एनवायरमेंट में ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकती है. क्लियर? यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर चेंजेस है वो क्या, किस किस वजह से आते हैं, चेंज इन फैशन,
चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, क्लियर, यानी कि इनकी वजह से क्या होता है बिजनेस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर। उस अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटेजीज में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इन चेंजेस का बिजनेसमैन कैसे पता लगा सकते हैं, बाय स्टडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, यहाँ पे जो स्टडी है बिजनेस एनवायरमेंट की वो क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है एक बिजनेसमैन को प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। ओके, यहाँ पे हमें एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, क्लियर। यानी कि एक बिजनेसमैन को यहाँ पे क्या कंसिडर करना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस, क्लियर। एस मीन्स यहाँ पे क्या हमारे पास स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स क्या हमारे पास यहाँ पे वीकनेसेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, टी मीन्स थ्रेट्स, क्लियर। यानी कि बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करते टाइम उनको इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, क्लियर, अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही हैं और थ्रेट्स क्या है उसके सामने, क्लियर, इन सब फैक्टर्स को क्या करना चाहिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करने से पहले स्टडी करना चाहिए। ओके, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकती है। ओके, इसलिए जो स्टडी है बिजनेस एनवायरमेंट की वो क्या जरूरी है एक बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करना, क्लियर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करती तो उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट से जल्दी आउट होना पड़ता है, क्लियर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करती है तो उस केस में उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, क्लियर, अपॉर्चुनिटीज का, थ्रेट्स का पता चल जाता है, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करती है, चेंजेस करती रहती है, जिस वजह से वो क्या है लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकती है। ओके, तो बाय स्टडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपनी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।